सचमुच में ये अद्भुत अद्भुत स्थान है। और आप जानते हैं कि शांति तो अंदर से आती है, बाहर का शोर भी शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। बात अभी गीता जी की हो रही थी, मैं एक रहस्य आपको आज ये बता रहा हूं कि मैं अगर अच्छा कुछ कर पाया हूं उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो गीता जी का है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, हमारे गांव में परंपरा थी कि स्वर्गवास के बाद जो हमारे क्रियाकर्म कराने वाले हमारे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको कुछ चीजें भेंट की जाती है। तो जो चीजें दी जाती है उसमें से एक चीज होती गीता जी। गीता जी की प्रतियां घर में आई थी, कुछ बच गई थी, मैं छोटा था, तो उठाकर मैं गीता जी पढ़ने लगा। पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर कहा दूसरी बार पढ़, फिर तीसरी बार पढ़, फिर चौथी बार पढ़। और करत करत अभ्यास के एक बात समझ में आ गई, ये जीवन अनमोल है। ये केवल पेट भरने के लिए नहीं है, केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, इसका अलग और बड़ा उद्देश्य है। और ये शिवराज कुछ कर